सेहत मंत्री दी हदायतां मुताबिक दीनानगर च सेहत विभाग दी टीम ने मठियाई दी दुकानां दी कीती सैंपलिंग। सेहत अधिकारी ने कहा कि त्योहारां दे दिनां च कीती जा रही मिलावट नूं बर्दाश्त नहीं कीता जावेगा। पंजाब सरकार दे दिशा निर्देशां ते सेहत मंत्री दे हुक्म अनुसार त्योहारां दे मद्देनजर मठियाइयां अते दुध तों बणियां वस्तां दे सैंपल भरे जा रहे हन, जिस दे चलदे दीनानगर च वी सेहत विभाग वालों मिठाइयां दी दुकानां दी सैंपलिंग कीती गई। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं सेहत अधिकारी ने कहा कि सेहत मंत्री दे हुक्म अनुसार पूरे पंजाब च हलवाइयां दी दुकानां दी सैंपलिंग कीती जा रही है, जिस दे चलदे अज दीनानगर च वी सैंपल भरे गए हन। उन्हां कहा कि मिलावटखोरी किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं कीती जावेगी। ते 8 बैग जिहड़े हैगे 50 किलो ईच जिहड़ा हैगा उह बेसन दे, ते 13 बैग जिहड़े आ उह 50 किलो ईच दे जिहड़े अपने हैगे शुगर दे आ, ते ग्लूकोज़ दे दो कैनियां हैगियां ने जिहदे विच 25-25 किलो हरेक दे विच जिहड़ा हैगा। सर त्यौहारां दा सीजन है सर, बाकी जिहड़े दुकानदारां नूं की संदेश ने सर? बाकी दुकानदारां नूं इह संदेश देना चाहुंदा है कि जो भी पब्लिक वास्ते जो समान बेचना खाण पीण दा बेचना चाहुंदे आ वो म्यारी होना चाहिए, मिलावटखोरी जिहड़ी हैगी किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। सो यही एक संदेश हैगा कि अपना चंगा समान जो म्यारी समान वो बेचो, तो जे वो आने वाले दिनों के जो यदि बनती कार्रवाई है जो चैकिंग या सैंपलिंग होंगी रहेगी और किसी भी मिलावटखोर किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाऊगा। निर्देशों पहुंचे साढ़े जी मानयोग सेहत मंत्री पंजाब चेतन सिंह जोड़ेमाजरा जी, तो साढ़े सैकटरी साहब तो कमिश्नर साहब जो है उन्होंने वालों जो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टीम लगाई गई उन्होंने दिशा निर्देशों के मुताबिक आप काम कर रहे हैं, जिस के तहत अज जिला गुरदासपुर के दीनानगर के अज यह रेड कंडक्ट किए। हाँ जी, असी आ जो त्यौहारों का दिन चल रहा है इस दौरान जी मिठाइयों की दुकान है काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही सी, एडल्ट्रेशन वगैरह हो रही है, तो असी फिर लैटर लिख के डॉक्टर गुरप्रीत मेरे नाल आए टीम च DHO साहब, तो असी जी दीनानगर शहर के अंदर एक चैकिंग का अभियान चलाया सीगा, उस दे तहत असी अज शॉप आए सी मिठाई की दुकान पर, तो असी सैंपल्स वगैरह डॉक्टर साहब ने टीम ने उन्होंने नाल जी टीम आई है सैंपल्स लै रहे हैं। न्यूज़ डेस्क तो डॉक्टर रमेश रंगल की खास रिपोर्ट।